वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते हैं आपकी तरह मेरी तरह उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं जिनका स्पेशल केयर करना पड़ता है जैसे कि ब्लाइंड पीपल डेफ एंड डम पीपल ओके द इमेज यू सी हेयर इज ऑफ लुइस ब्रेल लुइस ब्रेल एक ब्लाइंड uh, पर्सन था जिसने एक स्पेशल लैंग्वेज डेवलप की 1825 में इस लैंग्वेज को बोलते थे ब्रेल सिस्टम यह लैंग्वेज इसने क्यों डेवलप की ताकि इससे किन की हेल्प हो ब्लाइंड लोगों की यह खुद भी ब्लाइंड था ब्रेल लैंग्वेज डॉट्स पे बेस्ड थी इसमें डॉट्स होते हैं ओके जिनको ब्रेल सेल बोला जाता है इस ब्रेल सेल में सिक्स डॉट्स होते हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बने होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इन डॉट्स के बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जिनको ब्लाइंड पीपल फील करते हैं अपने हैंड से वो इनको फील करके समझते हैं क्या लिखा हुआ है अंडरस्टैंड करते हैं पढ़ाई करते हैं ऐसे ही तो ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी जो इस लुइस ब्रेल ने की आजकल अब आ, एक ऑडियो टेप्स का यूज़ होता है जिनको टॉकिंग बुक्स भी कहा जाता है जो ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है ऑडियो टेप्स में या फिर ऑडियो बुक में बुक रिकॉर्ड की जाती है जैसे मैं पढ़ रही हूँ ये रिकॉर्ड हो रही है और बाद में ब्लाइंड पीपल इसको सुनेंगे ओके तो ये भी एक एक बिग डेवलपमेंट थी ऐसे लोगों के लिए फिर बात आती है डेफ़ एंड डम लोगों के लिए जो, दे, जो देख सकते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता उनको तो उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज जिसको हम साइन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं उनके लिए बनाई गई साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों से वो समझते हैं इसमें भी एक अलग प्रोसेस अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो इंसान को पहले पढ़नी होती है और उनको भी समझनी होती है कि क्या है ये लैंग्वेज न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आ, इसका यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज का ताकि जो ऐसे लोग हैं डेफ एंड डम पीपल वो भी अपडेटेड रहे करंट अफेयर से जो भी हो रहा है वर्ल्ड में है ना तो ये सारी चीज़ें इन स्पेशल लोगों के लिए डेवलप की गई थी नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इससे पहले मैं ये समझाऊँ हमें ये समझना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स ऐसे मेथड्स निकाले हैं किसके लिए ताकि इलिट्रेसी ख़त्म हो यानी कि लिट्रेसी रेट बढ़े पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो लोग ज़्यादा आगे आए पढ़ने के लिए कुछ लोग नहीं पढ़ पाते कुछ कॉजेज़ की वजह से जैसे गरीबी है एक मेन कॉज तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इिट्रेसी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी एक आ, स्कीम है एक मेथड है तो इस मेथड में क्या होता है ये एक सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है सेंट्रली फंडेड यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए इसको चलाया जाता है इसको 1987 से रिलीज किया गया जब 1986 में पहले एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद ही 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था किस लिए इट वॉज़ टू प्रोवाइड ऑल प्राइमरी स्कूल इन द नेशन विद द मिनिमम रिक्वायर्ड नेसेसरी सर्विसज यानि कि जो भी प्राइमरी स्कूल्स में चाहिए फैसिलिटीज़ वो कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रली फंड प्रोग्राम इस ऑपरेशन के जरिए वो सारी फैसिलिटी सारी सर्विसज जो ज़रूरत है एक प्राइमरी स्कूल में वो दी जाएंगी कुछ और स्टेप्स भी उठाए इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे कि फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड यानि कि लड़कियों के लिए आ, फ्री में एजुकेशन दी जाएगी या फिर मिड डे मील्स का इन्होंने एक आ, स्कीम रखी स्कूल्स में आ, जो भी गरीब बच्चे हैं वो एक तो पढ़ाई भी करते हैं और उनको दिन का खाना भी मिलता है वहाँ पे तो इन सारी मेजर्स की वजह से एक स्टेट है जैसे कि केरला वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ गई है और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे पूरे इंडिया में कम लिटरेसी रेट है तो दिस इज इट आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड टेक केयर अल्लाह हाफिज़